अमेरिकी दौरे पर गए नरेंद्र मोदी जी, साथ साथ चल दी अंजना ओम कश्यप। मतलब भारत की जो मीडिया है उसका चेहरा, उसका रवैया, उसकी सोच इतनी, मतलब मैं कहती हूँ कि आज उस स्तर पर आ चुकी है कि यदि वहाँ की मीडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखाएगी, भाई हमें तो दिखाना है, किसी भी हालत में दिखाना हो, किसी भी सूरत में दिखाना हो। ट्रंप जब थे अमेरिका के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा खासा स्वागत हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के समर्थन में अमेरिका गए भी थे। दूसरी बात, यदि आज अमेरिका का राष्ट्रपति बदल चुका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ताला लगे बैग को एक साथ रख करके, उन फाइलों को एक साथ रख करके प्लेन मतलब जहाज के अंदर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब वो जहाज से नीचे उतरते हैं तो खाली हाथ उतरते हैं। फोटो लेकर के किसी भी चीज को दर्शाना और उस काम को हकीकत में करना दो अलग अलग बातें हैं। बिना बारिश के छाता लेकर के निकलना हो, नीचे आते ही छाते को बंद कर करके किसी दूसरे को पकड़ा देना हो, या मास्क उतार करके भारतीय मूल के निवासियों से मिलना हो, या मैं यूं कहूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एरोप्लेन से उतरे, जहाज से उतरे, तो कोई भी बड़ा अधिकारी उनके स्वागत में नहीं खड़ा था। अमेरिका के किसी भी मीडिया ने उसको ना ही छापा था और ना ही दिखाया था। इसी हाल में पहुंच गई हमारे देश का नंबर वन चैनल कहे जाने वाले, आज तक की नंबर वन कही जाने वाली एंकर अंजना ओम कश्यप। और अंजना ओम कश्यप वहां पहुंच करके स्नेहा दुबे जी के साथ जो व्यवहार करती है, हाथ पकड़ करके चाहे उन्हें उठाने की बात हो, और वहां से बेइज्जत होकर के बाहर निकलने की बात हो, या किसी ढोलक वाले के पास जाने की बात हो, या आम आदमी के पास जाने की बात हो, उतरा सा चेहरा लेकर के प्रत्येक सोशल साइट पर ट्रोल हुई अंजना ओम कश्यप, प्रत्येक सोशल साइट पर ट्रोल हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, या यूं कहूं कि भारतीय इतिहास के अंदर या किसी भी देश के इतिहास के अंदर इकलौते ऐसे किसी भी देश के मुखिया जो विदेश में जाकर के भारतीय जनता की नजरों में इतनी बड़ी बेइज्जती करवा करके वापस आई है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात करूं, ऑफिशियल सोशल साइट की बात करूं, तो नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कहीं भी नहीं दिखाया। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था अमेरिका के अंदर, ट्रंप का साथ दे रहे थे, या मैं यूं कहूं यहां चल रहा किसान आंदोलन को देखते हुए वहां पर फंसे भारतीय मूल निवासियों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का विरोध किया, भारत देश के मुखिया का विरोध किया। इन सभी सवालों के बीच, इन सभी मुद्दों के बीच सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जब जब अन्नदाता पर उंगली उठाई जाएगी तो वो उंगली काट दी जाएगी। चाहे देश की बात करूं या विदेश की बात करूं, दुनिया ये जानती है अन्नदाता के बिना कुछ भी नहीं है। आज भी समझिए, अन्नदाता की आवाज सुनिए, ताकि आपकी इज्जत हो और हमारे देश का मान और सम्मान बचा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान और जय किसान।